हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप वर्क साइट पर काम करते हो तो उस वक्त जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे 12 सेफ्टी रूल्स हैं, वो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी वर्क साइट पर काम करते हो तो वहां पर कई सारे ऐसे हजार्स होते हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको जो है वहां पर माइनर या फिर सीरियस इंजरी भी हो सकती है। अब ऐसे समय में, यानी कि जब भी आप वर्क साइट पर काम करते हो तो उस वक्त जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर 12 ऐसे सेफ्टी रूल्स जानने वाले हैं जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकेंगे, वो भी वर्क साइट पर। तो सबसे पहला सेफ्टी रूल है कि वर्क एरियाज को जो है आपको साफ रखना है, यानी कि जिस किसी वर्क एरिया में आप काम कर रहे हो तो वहां पर जो भी मटेरियल है तो उसको आपको अच्छे से रखना है, ताकि आप जिस पोजीशन में, जिस वर्क लोकेशन पर काम कर रहे हो तो आपको कोई भी असुविधा वहां पर ना हो। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है वो है कि आपको मशीनरी को जो है ऑपरेट नहीं करना है अगर आपके पास उसका ऑथराइजेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मशीन जो ऑपरेटर है, जिसके पास वैलिड जो है उसने ट्रेनिंग कंडक्ट की है या फिर उसके पास जो है उसको ऑपरेट करने का ऑथराइजेशन है, तो वही जो पर्सन है उस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। मतलब जिस किसी पर्सन को मशीन के बारे में नहीं पता है तो उसको जो है उस मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जॉब के अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर प्रॉपर क्लोथिंग जो है उसको पहनना है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप वेल्डिंग का जॉब अगर कर रहे हो तो वेल्डिंग के जॉब के लिए जो है आपको मैंडेटरी जो पीपीज होते हैं, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी बूट हो गया या फिर आपका जो कवरऑल है वो तो पहनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको वेल्डिंग हुड जो है वो भी पहनना होता है, सेफ्टी ग्लासेस जो है वो भी पहनने होते हैं। अगर वहां पर नॉइज लेवल अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए जो है आप एयर प्लग का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ वेल्डिंग जो एफ्रॉन है उसको भी आपको यहां पर पहनना होता है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जब भी आप मटेरियल को लिफ्ट करते हो, वो भी मैन्युअली, तो उस वक्त जो है आपको आपके लेग का ही जो है इस्तेमाल करना है, ना कि आपके बैक का। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम कर रहे हो और आपको जो है कोई छोटी चीज हो या फिर उससे थोड़ी हाई लेवल की जो चीज है जो आपको मैन्युअली जो है उठाना है, और उस मटेरियल को जो है आपको जमीन से उठाकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाना है, तो उस समय जब आप उस मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, तो उस वक्त जो है आपने आपके पैरों का जो है इस्तेमाल करना है, ना कि आपके बैक का। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि मूविंग मशीनरी को जो है आपको एडजस्ट नहीं करना है, और उसके ऊपर जो भी ऑयल है उसके ऊपर जो है आपको उसको क्लीन नहीं करना है। मतलब ये है कि अगर कोई मशीनरी जो है वो मूविंग कंडीशन में है, वो कंटिन्यू जो है वो चल रही है, तो उस समय जो है आपको उस मशीनरी में जो है कोई भी है वहां पर एडजस्टमेंट नहीं करनी है, या फिर कोई अगर वहां पर ऑयल अगर है तो उसको भी जो है वहां पर आपको क्लीन नहीं करना है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जो भी हैंड टूल्स है उन सभी को जो है आपको अच्छी कंडीशन में जो है वो रखना है। इसका मतलब ये है कि जो भी हैंड टूल्स आप जो है काम के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि मशीन का जो गार्ड है उसको आपको वैसे ही रखना है जो इस प्लेस के लिए जो है वहां पर उसको बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी कोई पर्सन ग्राइंडिंग मशीन का जो है इस्तेमाल करता है ग्राइंडिंग करने के लिए, तो उस समय जो है ज्यादातर देखा जाता है कि पर्सन जो है उस गार्ड को जो है टेम्पररी निकाल लेता है और फिर जो है ओपनली उस मशीन से जो है वहां पर ग्राइंडिंग का काम करता है। अब वहां पर गार्ड न होने के कारण जो है उसको इंजुरी हो सकती है, तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है। मतलब जो भी मशीन है तो उसका जो गार्ड है उसको आपको वैसे ही रखकर जो है उससे आपको काम करना होता है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि आपको जो है आई प्रोटेक्शन जो है वो पहनना है जब भी उसकी जरूरत हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप वेल्डिंग हो या फिर ग्राइंडिंग जो है वो करते हो, तो उस समय जो है स्पार्क जो है वो आपके आंखों में जो है वो जा सकते हैं, तो उस समय जो है आपने आई प्रोटेक्शन, जैसे कि सेफ्टी गॉगल हो या फिर वेल्डिंग हुड हो, वो पहनना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जब भी आप किसी इक्विपमेंट को आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो है आपको देखना है कि उस इक्विपमेंट को स्टार्ट करने से पहले वहां पर जो है आजू बाजू में जो भी चीजें हैं या फिर जो भी पर्सन है उसको सबसे पहले जो है आपको क्लियर करना है, ताकि जब भी आप स्टार्ट करते हो उस इक्विपमेंट को तो उसकी वजह से जो है आसपास के कोई भी पर्सन को या फिर मटेरियल को जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जब भी कोई आप अनसेफ कंडीशन देखते हो तो वो जो सारी अनसेफ कंडीशंस है उसके बारे में जो है आपको रिपोर्ट करना होता है, वो भी जो भी ऑथराइज पर्सन हो, जैसे कि वहां पर सेफ्टी सुपरवाइजर हो या फिर साइट के कोई भी इंजीनियर है, तो उसके बारे में जो है आपको उसके बारे में बताना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो है इस्तेमाल करते हो तो उसको इस्तेमाल लाने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले जो है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, तो उसको जो है आपको चेक करना है। और ये चेक करने के बाद जब आपको कन्फर्म हो जाता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सही है, तभी जो है आपको उसका इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद का सेफ्टी रूल है कि साइट पर वर्क प्लेस में जब भी आप काम करते हो तो उस समय किसी पर्सन को अगर कोई इंजुरी अगर होती है तो वो जो सारी इंजुरीज है उसके बारे में जो है आपको रिपोर्ट करना है। और अगर कोई ऐसी इंजुरी है कि जिसको फर्स्ट एड की वहां पर जरूरत है तो उस समय जो है आपको उसको फर्स्ट एड जो है वो अवगत कराना है। तो ये जो सारे सेफ्टी रूल्स है ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि वर्कप्लेस में जब भी आप काम करते हो तो आपके प्रोटेक्शन के लिए क्या सेफ्टी रूल्स है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।